अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल व्यूअर्स एंड मेंबर्स, दिस इज मोहम्मद सिद्दीक, सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हैंड सैनिटाइजर और बॉडी सैनिटाइजर को घर में कैसे बनाया जा सकता है। हैंड सैनिटाइजर, चूंकि आजकल कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया जो चीज़ें जिनके पीछे लग चुकी हैं वो एक तो डस्ट मास्क हैं और दूसरी चीज़ है हैंड सैनिटाइजर। और चूंकि हम पाकिस्तानी भी इस दौड़ में लगे हुए हैं और जब से ये जो कोरोना वायरस है पाकिस्तान में दाखिल हुआ है तो इस मार्केट में भी जो आपके डस्ट मास्क हैं उसकी और हैंड सैनिटाइजर की बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स चलना शुरू हो चुकी हैं। कुछ की प्राइसेस इनहांस हो चुकी हैं, कुछ अपनी मर्जी और मन मर्जी से अपनी प्राइसेस भी डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि जो सैनिटाइजर्स आप मार्केट से परचेज करते हैं उनमें होता क्या है और आप नेचुरल और जो प्रॉपर काम करने वाला हैंड सैनिटाइजर वो कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले चीज़ तो ये है कि सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर जो है जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप जितने भी ब्रांड्स के सैनिटाइजर इस वक्त मार्केट में देखते हैं उन सब के अंदर एक जो चीज़ कॉमन है वो है अल्कोहल। और ये ऐसा एक इंग्रेडिएंट है जिसको किसी भी तरह से मेडिकली या किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि ये स्किन फ्रेंडली है। अब चूंकि मैं बेहतर तरीके से जानता हूं कि अल्कोहल की 21 से ज्यादा एग्जाम है जो कि बहुत सारी नेचुरल हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक वर्ड है अल्कोहल वो इंतहाई नुकसानदेह है और वही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपके हैंड सैनिटाइजर्स में डाला जाता है। इसकी वजह क्या है, अल्कोहल सैनिटाइजर्स में क्यों ऐड किया जाता है? आप सब लोग जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं वो तो इसको डेफिनेटली जानते हैं, लेकिन जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड नहीं है उनको बताता चलूं कि अल्कोहल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि एंटीसेप्टिक है। ठीक है, बेशक ये पॉइजन है बट ये एक एंटीसेप्टिक एजेंट है, लेकिन सिर्फ यही एक वाहिद ऐसा एंटीसेप्टिक एजेंट नहीं है जो हम इसको इस्तेमाल करें। हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं, ऐसे बहुत सारे वेज अवेलेबल हैं जिनसे हम इस जहर की बजाय एक अच्छा एंटीसेप्टिक यूज कर सकते हैं और वो भी ऐसा एंटीसेप्टिक जो कि हमें फायदा भी दे, हमें प्रोटेक्ट भी करे और उसके साथ साथ हमें नुकसान भी ना दे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा हमारे लिए मैटर करती हैं। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी हैंड सैनिटाइजर हम मार्केट से ले रहे हैं क्या वो ब्रांड के हैं या लोकल है। चूंकि मैं पिछले 3 दिनों से जो इस वक्त ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत सारी मार्केट्स में, बहुत सारे ग्रुप्स में मैं ऐड हूँ और बहुत सारे ऐसे मैं हैंड सैनिटाइजर देख रहा हूँ जिनको आज से पहले तक कभी नहीं देखा गया। तो याद रखिए कि ऐसे सैनिटाइजर सिर्फ और सिर्फ आपकी दिल की तसल्ली के लिए उसके ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है सैनिटाइजर, लाजमी नहीं कि वो प्रॉपर आपके लिए एंटीसेप्टिक हो। लेकिन चूंकि इससे पहले जो मैंने आपको बता दिया कि जो ब्रांड्स मौजूद हैं उनमें क्या चीज है, अल्कोहल है, जो कि बिल्कुल काम करेगा, आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी जरूर हैं और वो डेफिनेटली अल्कोहल को तो कहीं से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर कि ऐसा कैसे पॉसिबल है हम अपने घर में एक ऐसा हैंड सैनिटाइजर बनाएं जो ना सिर्फ, देखिए अगर आपने प्रोटेक्शन करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो सफाई निस्फ ईमान है, दीन इस्लाम इस चीज के ऊपर पहले ही हमें बताता है और 5 वक्त वजू जो है वो हमारे लिए सबसे बेहतरीन मेथड है किसी भी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन चूंकि आजकल हम मॉडरेट हो चुके हैं और हमारी एजुकेशन जो है, हमारी डिग्रीज जो है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, हमने बुलंदियां बहुत बड़ी बड़ी छू ली है तालीम की, तो इसलिए हम लोग जो हमारा एटीट्यूड है वो बहुत डिफरेंट हो चुका है। हमें हम बेसिकली कह लें कि आलसी हो चुके हैं, हमें अब हर चीज वो रेडीमेड चाहिए है, हम खुद से ना तो समझना चाहते हैं, हमारे पास इवन इतना भी टाइम नहीं है कि जो प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं जिसके लिए हम अपनी हलाल की कमाई से पैसा दे रहे हैं हम उसकी पुष्ट पे ये पढ़ लें कि आया इसके अंदर डाला क्या गया है, कुछ हलाल है भी कि नहीं है, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं। और यही वजह है कि जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी ऐसी कंपनियां, बहुत सारे ऐसे ब्रांड जो हैं वो हमें बहुत सारे ऐसे पॉइजन सेल कर देते हैं जो हमें वक्ती तौर पे तो बेनिफिट दिखा रहे होते हैं लेकिन उनके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे होते हैं। और अगर आप लोग जो अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, इसमें मेरा लेक्चर मौजूद है इम्यून सिस्टम का, वो सुन सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, लेकिन मुख्तसर बता दूं कि अगर आप हैंड सैनिटाइजर अगर आप यूज करते हैं जो कि अल्कोहल बेस्ड होगा तो वो आपके इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करेगा। और एक चीज समझ लीजिए कि अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए या वायरल इन्फेक्शन के लिए एक आइडियल प्लेटफॉर्म बन जाएंगे, उसको ग्रो करने के लिए और उसको फैलने के लिए बहुत आसानी से आपको वो आपको एक्सेस कर लेगा और
देन आप फिर उसके लिए मेडिसिंस की तरफ चलेंगे। तो बेहतर यही है कि बजाय इसके कि आप एक ऐसा सैनिटाइजर यूज करें जो कि आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करे और आपको दिखावा ये करे कि वो आपका फ्रेंडली है, आपका एक दोस्त है, तो ऐसा नहीं है। आज का जो लेक्चर है उसमें आपको जहालत से, आपको ऐसी गुमराही से बचाने के लिए ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसेंशियल ऑयल्स के बारे में, क्योंकि एसेंशियल ऑयल्स एक ऐसा हमारे पास सोर्स है जिनके बारे में आप गूगल कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज मेरा जो आगे सेशन चल रहा है उसमें डेली बेसिस पे लेक्चर्स में वो आप भी समझ लेंगे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो एसेंशियल ऑयल है लवेंडर, सेकंड एसेंशियल ऑयल है लेमन सिट्रस, इसके बाद है सिट्रस। लेमन सिट्रस के अलावा जो हम लोग एसेंशियल ऑयल इसमें यूज करेंगे वो है नेओलाय, ठीक है जी, और नेओलाय और इसके अलावा है ब्लैक पेपर। तो बेसिकली ये चार एसेंशियल ऑयल्स के ऊपर मैं आज बात करूंगा, लेकिन जो प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा इसके बाद इसके जो इंग्रेडिएंट जिस इसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे प्रिंट कर दूंगा, आप उसको गूगल करके समझ लीजिएगा। याद रखिए कि हमें हैंड सैनिटाइजर में क्या चीज चाहिए है, ये बहुत जरूरी है। हैंड सैनिटाइजर जो है वो एक ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो हमारे लिए इस तरह से काम करे कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो ऐसे जिन्हें हम बैक्टीरियाज या वायरसेस कहते हैं, वो हमें उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए काम करने की सलाहियत रखता हो। इसके अलावा उसके अंदर एंटीसेप्टिक एबिलिटीज होनी चाहिए, उसके अंदर एंटी जो है बैक्टीरियल एबिलिटीज होनी चाहिए, और वो एंटी माइक्रोबियल होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीन क्वालिटीज से बना हुआ अगर सैनिटाइजर मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ अल्कोहल बेस्ड अगर आपके पास हैंड सैनिटाइजर मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ एंटीसेप्टिक है, इसके अलावा वो चूंकि अल्कोहल बेस्ड है और उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वर्किंग की वो बड़ी माइनर सी है, वो अबाउट 3 मिनट से 30 मिनट्स तक वो काम कर सकता है। अब आपने डिसाइड करना है कि आपको प्रोटेक्शन 3 से 30 मिनट की चाहिए या 10 से 6 घंटे की, ये आपने डिसाइड करना है। तो अगर आपको 6 आवर्स तक या 7 आवर्स तक की प्रोटेक्शन अगर रिक्वायर्ड है तो उसके लिए ये जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मेथड आपको बताने जा रहा हूं, इस तरीके से आपने इस जो सैनिटाइजर को है अपने घर में बना लेना है। चूंकि ये एसेंशियल ऑयल्स हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये अरोमाथेरेपी की तरह काम करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज मैं और बता दूं कि हम इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की भी बात करेंगे। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत मुफीद है, और किसी भी तरह का जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो किस तरह, जैसे कि आज हम कोरोना की बात करते हैं तो वो कैसे फैल रहा है, वो आपके सांस के रास्ते से, आपके मुंह के रास्ते से आपके लंग्स को अटैक करता है। और रोजमेरी की हिस्ट्री है, मैंने अभी कल जो लेक्चर बनाया वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, उसमें मैंने बाकायदा तौर पर यह बताया है कि रोजमेरी ऑयल आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। चलिए जी, आप देखते हैं कि हमें इस सैनिटाइजर को बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पेश आएगी। So, इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा वेस्ट एंड अब्डोमन कंपाउंड एसेंशियल ऑयल, और वेस्ट एंड अब्डोमन कंपाउंड एसेंशियल ऑयल जो है इसके अंदर 10 तरह के एसेंशियल ऑयल्स ऐड हैं, जिसमें कि ब्लैक पेपर है, सिट्रस लेमन है, और लवेंडर, और इसके अलावा थायमस मार्सिचिनिया, ठीक है, इस तरह जैसे बहुत सारे एसेंशियल ऑयल जिसके अंदर ऐड है, इनकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो मैं चूंकि लेक्चर को मुख्तसर करने की कोशिश कर रहा हूं, अब आपने करना यह है कि आपके पास वेस्ट एंड अब्डोमन कंपाउंड एसेंशियल ऑयल आ चुका है। जैसे कि मेरी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि ये हैंड एंड बॉडी सैनिटाइजर होगा, तो ये किस तरह से काम करेगा, तो अगर आपके पास सैलोन में या घर में शावर गन मौजूद है तो आपने करना ये है कि हाफ बॉटल शावर गन में पानी भर लीजिए और उसके अंदर 6 to 8 drops वेस्ट एंड अब्डोमिनल कंपाउंड एसेंशियल ऑयल के आप ऐड कर लीजिए। ये आपने डेली बेसिस पे करना है, इसको एक दफा बना के आपने नहीं रखना। अब सुबह से लेके शाम तक आप सुबह शाम अपने बच्चों में, अपने आप को, जब भी आपने हैंड वॉश करने हैं तो जब भी आप अपने हैंड वॉश करेंगे, हाँ वो आप सोप से कर रहे हैं, हाँ वो आप किसी भी हैंड वॉश से अगर आप अपने हैंड वॉश कर रहे हैं, हैंड्स को वॉश करने के बाद आपने इसकी, वो चूंकि वो आप शावर गन यूज करेंगे तो उसके साथ अपने दोनों हाथों के ऊपर अच्छी तरह से शावर करके देन आप दोनों हाथों पर उसको रब कर लीजिए, आपके हैंड्स जो है वो प्रॉपर तौर पर प्रोटेक्ट हो चुके होंगे। इसके अलावा आप वक्तन फोक्तन दिन में किसी भी जगह पे, किसी भी टाइम पे अपने हाथों को अच्छी तरह से, अपने बाजुओं तक आप उसको स्प्रे कर लीजिए और देन दोनों हाथों से ऊपर रब कर लीजिए, ताकि आपके जो हाथों पे अगर खुदा ना हास्ता किसी तरह से भी कोई भी बैक्टीरियल या वायरल अटैक अगर हुआ होगा तो वो तलफ हो जाएगा। तो मैं आपको इन एसेंशियल ऑयल्स के नाम स्क्रीन पर शो कर दूंगा, आप इनको गूगल करके स्टडी कर लीजिएगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो सके।
सो एक तो मेथड हो गया, इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे अपने हैंड्स के लिए। अब दूसरी चीज ये है कि आप इस जो सैनिटाइजर आपने ये बनाया है आप इसको किस एज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसको दो साल के बच्चे से लेकर और अपने लाइक किसी भी एज तक के मेल फीमेल किसी भी जेंडर को आप इससे सैनिटाइज कर सकते हैं, ये 100% वर्क करेगा। इसके अलावा एक चीज और देखिए कि जो नौमौलूद बच्चे हैं उनके कपड़े जब आप वॉश करें तो उनको भी आप जैसे आपने कपड़े वॉश कर लिए सर्फ या डिटर्जेंट जो आपने उसमें से जब आपने उसको निकाल लिया देन एक बाल्टी में पानी डाल के तो उसमें भी 5 to 6 ड्रॉप इसके डाल दीजिए और कपड़ों को 10 मिनट के लिए उसमें भिगो दीजिए। उसके बाद निकाल के निचोड़ने की जरूरत है, डायरेक्टली धूप में फैला दें तो वो कपड़े भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से पाक हो जाएंगे। इसके साथ साथ अब हम बात करते हैं कि इसको इससे हैंड सैनिटाइज तो हो गए, आर्म सैनिटाइज तो होगी, अब बॉडी को कैसे सैनिटाइज करेंगे। सो बॉडी को सैनिटाइज करने के लिए इसका जो मेथड है वो कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको किसी भी कैरियर ऑयल कोकोनट ऑयल में, ऑलिव ऑयल में या किसी भी मस्टर्ड ऑयल में आप इसको डाल के अपनी बॉडी पे मसाज कर सकते हैं, लेकिन जो कि मेरे ख्याल है कि एक सूटेबल मेथड है इससे, चूंकि आपका जो बॉडी है वो ऑयली हो जाएगी। और जो सेकंड और बेस्ट और परफेक्ट मेथड इसके लिए है वो ये है कि आफ्टर शावर एक बाल्टी या एक बकेट जो पानी ले, बल्कि हाफ बकेट पानी ले, उसमें 12 ड्रॉप्स इसके आपने ऐड करने हैं और देन मग की मदद से पूरे सर और पूरे जिस्म के ऊपर उस पानी को आपने बहा लेना है। इससे आपका पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो 6 to 8 आवर्स तक के लिए पूरी तरह से वो सैनिटाइज हो जाएगा। सो ये दुनिया का सबसे छोटा मॉलिक्यूल होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ 6 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपके ब्लड तक एक्सेस हासिल करता है, आपके ब्लड में शामिल हो जाता है और 6 to 8 आवर्स तक ये आपकी बॉडी के अंदर मौजूद रहता है। लिहाजा इसका मतलब यह है कि आप 6 से 8 घंटे तक पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, ना आपने कोई मेडिसिन खाई ना आपने कोई केमिकल अप्लाई किया और आपकी प्रोटेक्शन जो है वो कंप्लीटली सेफ एंड सिक्योर है। अब आप एक चीज आपने समझ ली होगी कि ये हैंड सैनिटाइजर, ये बॉडी सैनिटाइजर दो काम तो ये करता है। अब तीसरा जो मैंने कहा था कि ये इंटरनल भी आपकी जो है प्रोटेक्शन करेगा और एक्सटर्नल भी करेगा, तो इंटरनल प्रोटेक्शन ये कैसे करेगा, चूंकि जब ये आपके ब्लड में शामिल हो गया तो ये आपको इंटरनली प्रोटेक्ट करने के लिए काम शुरू कर देगा। और इंटरनल प्रोटेक्शन के लिए आपने दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि आपने इसको पानी की मदद से अपने जिस्म पे लगाया, या जैसे कि आपने शावर की मदद से लगाया या आपने शावर गन की मदद से आपने अपने जिस्म पे इसको अप्लाई किया, एक तो इसका मेथड ये है। दूसरा मेथड इसका ये है कि अगर आप अपने लंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप अपनी सांस की नाली को साफ रखना चाहते हैं या प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसको अपनी नेजल कैविटी के साथ जरूर कॉन्टेक्ट करवाएंगे। तो लाइक आप वेस्ट एंड अपडामन कंपाउंड एसेंशियल ऑयल का एक ड्रॉप लीजिए और उसको अपनी नेजल कैविटी के नजदीक, अपने नाक के नथनों के नजदीक, या तो यहां पर स्प्रेड कर लीजिए या नाक के थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे 1 ड्रॉप आप इसको लगा के और उसको रब कर दीजिए। ये 5 to 30 seconds के अंदर अंदर पेनेट्रेट हो जाएगा, जज्ब हो जाएगा और फिर वही बात कि आप जो है कमोबेश 6 से 8 घंटे तक के लिए सिक्योर हो जाएंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि आप लोग चूंकि बड़ा आजकल एक वो जंग में लगे हुए हैं या एक दौड़ में लगे हुए हैं डस्ट मास्क के लिए, तो ये एक बेसिकली एक मैसेज आप सबके लिए कि डस्ट मास्क आपको कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता है। ये आपकी एक गलत थिंकिंग है, ये आपका एक सिर्फ अपनी मन घड़त एक कहानी है आपकी कि आप डस्ट मास्क पहन लेंगे तो आप वायरस से बच जाएंगे। डस्ट मास्क आपके मुंह से निकलने वाली जो वायरसेस हैं उनको रोकने के लिए बनाया गया है, ना कि वहां से आने वालों को, ठीक है। और एक चीज और समझ लीजिए कि जो कोरोना वायरस है वो बेसिकली हवा में ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर कोई इंसान आपके चेहरे के नजदीक खड़ा होकर अगर छींकता है या खांसता है तो वो जो खांसने की वजह से जो जर्रात निकलेंगे, जो मतलब कह लें कि थूक निकलेगा, वो डस्ट मास्क को बड़ी आसानी से बायपास कर सकता है। इसलिए ये डस्ट मास्क जितने भी आप मार्केट में ले रहे हैं ये बेफजूल है। डस्ट मास्क अगर आपने यूज करना है तो अथोराइज एक प्रॉपर डॉक्टर की जो है वो रिकमेंडेशन पे आप यूज करिए, और वो भी तब जब डॉक्टर अगर खुदा नहास्ता आपको कोरोना डायग्नोस कर देता है तो फिर वो आपको डस्ट मास्क रिकमेंड करेगा, वो आपको सर्जिकल मास्क जो रिकमेंड करेगा कि आप इसको वियर कर लीजिए। अदरवाइज उसके अलावा इसका कोई काम नहीं है, ये बेफजूल चीज है, आपको इसने ना तो फायदा देना है ना आपने आपको ये नुकसान दे सकता है, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं, और अगर फिर भी आपकी तसल्ली के लिए आप डस्ट मास्क यूज करना चाहते हैं
तो एक सेफ्टी प्रिकॉशन और कर लीजिएगा कि उस डस्ट मास्क के अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स डिफरेंट एरिया पे आप इसी एसेंशियल ऑयल को डाल के थोड़ा सा स्प्रेड कर लीजिए और इसको अपने नाक के ऊपर अपने चेहरे के ऊपर लगा लीजिए। और लास्ट जो मैसेज देना चाहूंगा कि कुछ लोग डस्ट मास्क लगाकर भी उसका इस्तेमाल नहीं जानते हैं। गलती क्या करते हैं कि जो लोग डस्ट मास्क लगाते हैं फिर वो बार बार नाक से और यहां से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि अगर खुदा नास्ता उनके हाथों से कोरोना वायरस अगर कॉन्टेक्ट कर गया है तो अगर वो फिर बार बार यूं करेंगे तो अपने आप को इन्फेक्ट कर लेंगे। एक चीज तो ये याद रखिए कि डस्ट मास्क को लगा के बार बार उसको सेट करने की जरूरत हरगिज नहीं है। दूसरी चीज ये कि जब भी आप डस्ट मास्क लगाते हैं आप कभी उसको उतारने के लिए हाथ से यूं करते हैं तो ये नहीं करना आपने। डस्ट मास्क को लगाने के लिए उसकी जो साइड पे जो उसके उसके रिबन्स होते हैं वहां से पकड़िए और उसको लगाइए, और जब आपने उतारना है तो वहीं से उसको पकड़िए और उतारिए, फोल्ड करके डस्टबिन में डाल दीजिए और उसको टच करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक मैसेज था, उम्मीद है कि लेक्चर आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्ट जो मैं क्लियर नहीं कर पाया, चूंकि आज इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने में मैं बहुत परेशान हुआ हूँ, बहुत सारी नॉइज थी और अभी इसको एडिटिंग में भी टाइम लगेगा, तो इसलिए शायद कुछ चीजें स्किप हो गई हो, तो उसके लिए अगर कुछ भी रह गया हो तो कमेंट करके या कॉल या एसएमएस करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।